पेड़ के पीछे देखो देखो। अरे क्या बकवास चल रही है। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग भाई? आई होप आप सब तो फिर से एक पिंग वीडियो। तो भाई इस भाई की एक प्रॉब्लम है भाई, बहुत मतलब तगड़े वाली प्रॉब्लम है भाई। इनका जो एक्स है भाई वो इनको बहुत परेशान कर रही है भाई। तो इनकी प्रॉब्लम यार मेरे को तो पता है कि इनके साथ क्या हो रहा है। इन भाई का नाम और ये आपके इसके इनके साथ जो भी प्रॉब्लम हो रही है ये सब आपको अभी बताएंगे। हमारे व्यूवर देख रहे हैं आपको भाई, मतलब अपनी ना सारी जो भी आपके साथ प्रॉब्लम है ना वो सब बताइए कि आपके साथ क्या क्या प्रॉब्लम है, कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, कितना टाइम से कर रहा है, बताइए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष है। कैमरे में देख के बोलिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष है और मैं 23 साल का हूँ। फ्रेंड्स, आज से 5 साल पहले जब मैं DU से अपनी ग्रेजुएशन कर रहा था तो उस टाइम सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, बट मेरी लाइफ में एक लड़की आई और हम लोग रिलेशनशिप में भी आए और 3 साल हम रिलेशनशिप में रहे। स्टार्टिंग के 2 साल तो हमारे बहुत अच्छे गए, हम बहुत अच्छे रहे। मैंने अपने उससे अपनी फैमिली से मिलवाया, उसकी फैमिली से भी मिला, बट लास्ट ईयर में थोड़ा दिक्कत हो गई हमारे बीच कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी एंड वो लड़की थोड़ी गलत हो गई जिसके कारण मैं डिप्रेस्ड हो गया और मैंने उसे छोड़ दिया। बट अब 2 साल बाद जब मैं सेटल हूँ, सब कुछ मेरी लाइफ में ठीक ठाक चल रहा है एंड मेरी शादी भी तय हो गई है, बट वो लड़की फिर मेरी लाइफ में आके वापस मुझे फिर फोर्स कर रही है कि मैं उससे शादी करूँ। मुझे परेशान कर रही है और मुझे वो बोल रही है कि वो मुझे पुलिस में झूठे केस में फंसा देगी। इसलिए मैंने विजय भाई से हेल्प मांगी है कि मैंने देखा है काफ़ी लोगों की इन्होंने मदद करी है पहले भी, तो इसलिए मैंने उनसे हेल्प मांगी है ताकि वो मेरी हेल्प कर सकें। तो मतलब अब तो तेरे को टॉर्चर कर रही है, पूरी टॉर्चर कर रही है, बहुत टॉर्चर कर रही है भाई। मतलब तो अपनी फैमिली से, मतलब अपनी फैमिली से और अपने लाइफ से खुश है ना? हाँ भाई, इस टाइम तो मैं बहुत खुश हूँ, अच्छी खासी जॉब भी कर रहा हूँ भाई और लाइफ भी सेटल है एंड वेडिंग मेरी लड़की शादी भी तय हो चुकी है लड़की से एंड शादी भी आने वाले कुछ टाइम में मेरी हो जाएगी उससे। बट ये लड़की आके मेरी लाइफ में मेरे को परेशान कर रही है एंड इसने मेरी फैमिली वालों को ये बिलीव दिला रखा है कि अभी मैं इसके साथ रिलेशन, मेरी फैमिली वाले मेरा बिलीव नहीं कर रहे भाई कि मैं इसके साथ रिलेशनशिप में अभी भी हूँ या नहीं। हाँ, तूने मेरे को बताया था, हमारी पब्लिक को एक बार और पता चल जाता तो अच्छा था, आपने बता दिया, सही किया। तो भाई गाइज, इसके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, इसकी खुद की फैमिली इसका बिलीव नहीं कर रही है उस लड़की की वजह से, क्योंकि इसकी गलती ये थी कि इस लड़की को इसने अपनी फैमिली से मिलवाया और इसकी फैमिली वालों को अब उसने झूठी झूठी बातों में बहला फुसला दिया है कि वो अभी मेरे साथ है, मतलब ऐसे ऐसे कुछ, मतलब तुम्हारी अभी बात होती है, लेकिन इसकी कोई बात नहीं होती है, इसकी फैमिली बिलीव नहीं कर रही। खासकर मैं इसकी फैमिली वालों से मतलब कहना चाहता हूँ कि जब ये वीडियो देखेंगे तो उसे बिलीव होगा कि आपका लड़का सही था। तो भाई वो आपसे बात वगैरह करती है, कॉल वगैरह नंबर है ना उसका? भाई मैं उठाता ही नहीं, कॉल वगैरह करती है। तो एक काम कर, उसको ना कॉल कर और उसको बोल दे कि तू ना मेरे से मिलने आ जा एक बार और मैं ना तुझसे ही शादी करूँगा और मैं उसको छोड़ रहा हूँ अपनी फैमिली वाले को, तू जैसा बोलेगी ना वैसा करूँगा, पर फ़ोन मिला उसको। तो गाइस उसके पास एक बार ना फ़ोन मिलवाते हैं। काफ़ी टाइम से भाई कॉल आ रहा है, मैं उठा ही नहीं रहा इसका कॉल। कोई बात नहीं, इसको कॉल मिला और इसको बोल। तो गाइस आज इसका ना छुटकारा करवा देंगे इसका, इस दोस्त का। तो हैंड फ्री कर ले एक बार। हेलो 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 प्रीति। हेलो, हाँ बोलो। प्रीति, मैं आपसे एक बार मिलना चाहता हूँ, आप जो कहोगे मैं वही करूँगा। एक बार आप अपने घर के पास वाले पार्क के पास आ जाओ, मैं आपको लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, एक बार आप आ जाओ। हाँ वो तो ठीक है, मैं इतने दिन से फ़ोन मिला रही थी, फ़ोन भी नहीं उठा रही, तुम ज़्यादा बिजी हो रहे हो क्या? कोई नहीं यार, मैं आप सब आप जो बोलोगे मैं वो करने को तैयार हूँ, बस एक बार आप मेरे से मिल जाओ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, प्लीज़ एक बार यहाँ मिलने आ जाओ, मैं आपको लोकेशन सेंड कर रहा हूँ अभी, आप आ जाओ एक बार मेरे से मिलने। ठीक है, मेरे को कम से कम 30-40 मिनट लगेंगे, ठीक है आने में। कोई नहीं, आराम से आ जाओ, आ जाओ, आप आ जाओ। तो कोई टेंशन, डरने की कोई बात नहीं है, मैंने कैमरा लगा रखा है, ठीक है, और उस कैमरे को ना अच्छे से सेटअप करवा देंगे। एक बार ना तू उसकी सारी बातें जितनी भी वो है ना, जो तेरे को परेशान कर रही है, तुम्हारा जो भी रिलेशनशिप था और तुम्हारी फैमिली के बारे में जितनी भी जो भी बातें थी ना, वो एक बार ना बुलवा लेना, मैं एक माइक सेटअप कर दूंगा तेरे यहाँ पे, उसको दिखेगा नहीं, ठीक है, और सारी चीज़ें रिकॉर्ड होने के बाद ना मैं उसको अच्छे से एक्सपोज करूँगा, उसको बताऊँगा कि परेशान कैसे करते हैं। तो गाइज, लड़कियाँ ऐसा नहीं करती हैं, लड़के भी प्यार करते हैं और लड़के प्यार करते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती कोई प्यार नहीं होता, ज़बरदस्ती कोई प्यार नहीं होता। ये बंदा प्रॉब्लम में है, आज इसकी प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। तो भाई देखते हैं हम कितनी देर में आती है, तब तक के लिए हम कैमरा सेटअप करवा देते हैं। भाई कैमरा सेटअप कर दे, तू छुपा दियो बढ़िया अच्छे से, दिखना नहीं चाहिए। तब तक के लिए बाय। ए फ्यू मिनट्स लेटर। हां जी, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। हाँ बताओ क्या बात होगी? कुछ बात करनी थी मेरे को। फोन करके क्यों बुलाया? और मैं तुम्हें इतने दिन से फोन कर रही हूँ, तुम बिजी ज्यादा ही हो रहे हो क्या? फोन क्यों नहीं उठाते तुम? मैं जानबूझ के आपका फोन नहीं उठा रहा, आप एक ही बात की रट लगाए, वो मेरे से शादी करनी, मेरे यार तुम जानते नहीं हो मुझे, तुम कितने टाइम से जानते हो ना, कॉलेज टाइम से जब मैंने तुमसे कह दिया कि शादी तुमसे ही करनी है तो तुमसे ही करनी है, तुम कैसे कर सकते हो यार? जो था हमारे बीच
वो दो साल पहले खत्म हो चुका है यार, जो भी था हमारे भी दो साल पहले, फिर क्यों मेरे को फोर्स कर रहे हो? तुम मुझे कॉलेज टाइम से जानते हो ना, काफी टाइम हो गया मुझे, और मैंने तुम्हारे घर वालों को भी बातचीत कर रखी है, ठीक है, और शादी तुमसे ही करनी है, तुम ऐसे सोच भी मत लेना किसी और से करनी है यार। तो मैंने बोल दिया कुछ ओवर हो गया था हमारे बीच दो साल पहले, तो क्यों इतना परेशान कर रहे हो? ना तुम मेरा फोन उठाते ना कुछ, है क्या बात होगी यार? जो था फिर खत्म हो गया, आप भी अलग चले जाओ, मैं भी अपनी लाइफ में खुश हूँ, मेरी भी शादी की सोच तय हो चुकी है। हाँ, तो फिर क्या करना? समझ भी नहीं आ रहा क्या? जब मैंने तुमसे बोल दिया तो मुझे कॉलेज टाइम से तुम्हारे जेल वेल में करवा दूंगी मैं अंदर, ठीक है? यार मैंने क्या कर दिया यार, ऐसा जो था ठीक था, मैं तुमसे प्यार करता था, तो लेकिन फिर उसके बाद फिर तुम भी गलत चले गए, अपनी गलत ही लाइन में चले गए। मैं तुम्हें प्यार से समझा, उसके बाद तभी मैंने तुम्हें छोड़ा है, मैं डिप्रेस्ड हो गया था तुमसे काफी, मैं नहीं रहना था तुम्हारे साथ मुझे यार, लेकिन मुझे रहना है ना तुम, मैं मुझे रहना तुम्हारे साथ, तुम यार अब क्या दो साल से यार मैं हम लोग अलग है, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, बहुत हो गया ठीक है यार, मेरे को माफ कर दो यार, मैं माफी मांग रहा हूँ तुमसे यार, मैं माफी मांग रहा हूँ तुमसे, मैं माफी मांग रहा हूँ यार तुमसे, छोड़ दो मेरा पीछा, छोड़ दो यार मेरा पीछा, छोड़ दो बस, मैंने बोल दिया मेरे से मत करो शादी, मेरा पीछा छोड़ दो बस, मैं तुम जिससे हो रखी है तुम उसके साथ खत्म करो यार, ऐसे यार मैं माफी मांग रहा हूँ तुमसे यार, मैंने कह दिया तुम यार, जब मैं सेटल हूँ अपनी लाइफ में, मेरी शादी तय हो चुकी है यार, मैं माफ कर दो यार, मेरे को मेरा पीछा छोड़ो प्लीज, मेरा पीछा छोड़ो यार, तुमने यार मेरे घर वाले भी जाके मेरे घर वाले मेरी ट्रस्ट नहीं कर रहे यार, कंप्लेंट है कौन है भाई तू, मेरी कंप्लेंट कर दे, कौन हो तुम, क्या दुखी कर रही है तू, इन्हें कौन हो तुम ये बताओ पहले, बैठ पहले आराम से, आड़ा बैठ जा, मैं बैठ जाऊंगी, आड़ा बैठ, कौन हो तुम, आड़ा बैठ, अरे पहले बता, थप्पड़ मारूंगा उल्टे हाथ का, चक्री काट के घुमाएगा, बैठ ले, पहले बता किसने बुला रखा है, कौन है ये, वो मेरी हेल्प करने के लिए आए हैं यहां, कौन सी हेल्प, हम आपस में बात कर सकते हैं ना, अरे पहले हाथ हाथ छोड़, बैठ ना, छोरे ने जब दुखी करेगी ना तना जेल भी जवाऊंगा, ठीक है, तेरे घर तेरे तेरी वीडियो दिखाऊंगा, देख देख वो लगा रखा देख कैमरा उड़ा, कौन सी वीडियो, पेड़ के पीछे दे, वो दे, अरे क्या बकवास चल रही है, बात सुन सुन, मुंह तोड़ दूंगा, देख वो देख कैमरा लगा रखा, ठीक है तेरी वीडियो बन गई, बैठ अड़ा, ठीक है पहले हाथ ही बड़ा, हाथ कैसे लगा दिया, बैठ अड़ा, बहुत मैं बताऊंगा ना हाथ को लगा दिया, हाथ कैसे लगा, पहले वीडियो बंद करवा, कौन है वीडियो बंद करवा, ये मेरी हेल्प करने के लिए विजय भाई, वो मिलके क्या खराब कर रहे हो, इन्हें जेल में भेजने दो, सुसाइड कर लिया तो इन्हें, तो मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं, छोड़ दिया तो कुछ भी करेगी, पहले ऐसा वीडियो बंद करवा, वीडियो बंद ना करती, वीडियो बंद कर, या वीडियो YouTube पे पड़ेगी, तेरी सारी रिकॉर्ड हो ली है, तेरी सारी चीज रिकॉर्ड हो ली, मेरे कान से पहला सब कुछ रिकॉर्ड हो गया, समझ गया, एक आधा लगे ना सही हो जाओ, इसने बंद करवाओ, वो तो मैं बताऊंगा, तेरी बिल तो मैं करवाऊंगा, तेरी वीडियो तो मैं बंद करवाऊंगा, तेरी वीडियो तो मैं बंद करवाऊंगा, तेरी सब कुछ रिकॉर्ड, लड़ा बैठ आराम से बैठ जा, अगर ना चाहती ना बैठा खड़ा तो बैठ जा, आराम से बैठ, क्यों बैठूं मैं, बैठा दूंगा, बैठ रहा बोल, ये बता की मैटर है तेरा, क्यों दुखी कर रही है तू, इन्हें मैं इससे शादी करना चाहती हूँ, क्यों करनी है मेरे को, तू करना चाहे इसके लिए, ना भाई मैं ना करना चाहता, फिर तू जबरदस्ती क्यों कर रही है इसके लिए, छोड़ के क्या था ना, मेरी गलती है इसमें, मैं इतने फोन वोन भी करूँ, इसकी फैमिली, इसका ब्याह तय हो गया, सुन ले मेरी बात, इसका ब्याह है दो महीने बाद, दो महीने बाद ना, हाँ भाई दो, इसका ब्याह है ना, तो इस तरह फोन कर देगी ना, इससे मिलना आ जाएगी ना, इसके इधर फट जाएगी, अरे यार वीडियो बनी मैं ईवीओ थाने में भी दूंगा, सारी जगह दूंगा, ठीक है, वीडियो ये वीडियो वीडियो की बंगवा रखी है, वीडियो उसे ना मत देखा, उसके ना करेंगे हम आपस में पर्सनल बात कर लेंगे ना, पर्सनली तो नहीं छोड़ रहे यार तुम बात को, तुम घर वालों तक पहुंचा दी तुमने वो बात यार, पहले तुम ये कैमरा बंद करवाओ, अरे देख थप्पड़ मारवाना पड़ेगी, मैंने अपनी गलती मान ली ना, गलती मैंने अपनी गलती मान ली, तुम ये कैमरा जो सुसाइड कर लेता फिर गलती किसकी होती, कोई गलती नहीं है, मैं आपस में कैमरा देखते तो तूने गलती मान ली, नहीं कोई बात नहीं, और तू इसके घर क्या ना ब्लैकमेल कर रही है, ठीक है कोई बात नहीं, गोंडा बका लिया करके छोरे की जिंदगी खराब कर दी, तुम ये कैमरा बंद करवाओ मेरे को, ऐसा कैमरा वैमरा बंद ना करता, ये सारी हम आपस में आराम से बात कर लेंगे, आराम से तो बात नहीं कर रहा, आपस में तो बात नहीं कर रहा, फैमिली तक पहुंच गए, नहीं भाई सॉरी, बात थोड़ा होगी, सारी सारी रिकॉर्ड होगी, सारी रिकॉर्ड होगी, कोई बात नहीं, तुम वीडियो बंद करवा वाले, सुन तू टेंशन ना ले, सारी रिकॉर्ड होगी, ओड़ा तो, अरे तू कर सुन मेरी बात, मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, तुम ये कैमरा बंद करो, कैमरा तो बंद करना, तेरी रिकॉर्ड की इतनु करा तल्ली कर जा, और इसकी जिंदगी में तो फेटगी ना, मैंने दोबारा इधर खाली तोरा भरे होगी, इससे भी दूंगा पुलिस में भी दूंगा, ये घर क्या दिखाऊंगा, पहले तो पहले तुम ये यकीन कराऊंगा, इसके घर कहना है, तू करा तल्ली कर जा, जा लिकर जा, जा जा बैठ जा आराम से, टेंशन ना ले, तू तू टेंशन मत ले, तू टेंशन ना ले, वाह इतने मैं ना परेशान ना कर, हां ये तेरे घर का ना क्लिप देख लेगा ना, तेरे घर की तू ने भी यकीन हो जाएगा, दिखा दियो, ठीक है भाई क्लिप दिखा दूंगा मैं, तो गाइस देखा आपने लड़कियां कैसे फायदा उठा देती है भाई, तो भाई जबरदस्ती का कोई प्यार नहीं होता है, तो भाई अगर कोई एक दूसरे से प्यार नहीं करता तो भाई उससे जबरदस्ती मत करो,
तो इस बंदे की अब लाइफ सेव हो चुकी है भाई। ये क्लिप मैं इस भाई को भी दे दूंगा और अगर जरूरत पड़ी तो पुलिस में भी देंगे। तो भाई वीडियो कैसी लगी भाई लाइक करना, शेयर करना और भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस बेल आइकन मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए कर देना। और मेरा यहाँ पे इंस्टाग्राम का पेज आ रहा होगा तो भाई आइए उसे फॉलो करो और मुझसे बातें करो। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।